पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये नववर्ष का विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सचं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र और नववर्ष के ऊपर सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, नया साल मुबारक हो। आज नए साल का विशेष कार्यक्रम लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज का कार्यक्रम जैसा कि हमने मैसेज में भी बताया कि आज हम सब श्रोता है और सब वक्ता, सबको बोलना है, आज सबको बोलना है, अपने अपने विचार रखने हैं। जो बीता साल 2023 हमारा कैसा रहा, उसके अनुभव और आगे वाले साल की परिकल्पना, आगे हमें क्या करना है, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो हमारे साथ बहुत से वक्ता जुड़ने वाले हैं, धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। हम ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज का सेशन शुरू करें। स्वागतम। चलिए एक बार हाथ ऊपर कीजिए और सभी अपना स्वागत कीजिए एक दूसरे का। यस वेलकम, यस यस यस, वेलकम कीजिए, वेलकम 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 वेलकम, खुद को वेलकम कीजिए पहले, वेलकम यस, सबको वेलकम कीजिए, वेलकम वेलकम वेलकम। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ, खुश रहे, मस्त रहे, झूमते रहे, हंसते रहे, गाते रहे, कितने स्माइली फेसेस। और हमारे साथ जुड़े हैं जवेरी साहब, देखिए कितने इस एज में भी उनकी स्माइल फेस देखो, कितने मधु जी, वाओ। तो यहाँ सबके चेहरे पे स्माइल तो है ही, और अच्छे 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 सब स्पीकर है, वक्ता है, और यहाँ का हर व्यक्ति आज वक्ता है, हर व्यक्ति आज वक्ता है। तो सब वक्ता के रूप में स्वागत, नया वर्ष का पहला दिन और हम खुशी खुशी से मिल रहे हैं और कुछ शेयर भी कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि जिंदगी के चढ़ उतार कितने होते रहे हैं, चलता रहता है। कोरोना गया, थोड़ा खुशियां मना रहे, वापस कोरोना उभर कर आ रहा है, तो हमें सावधान होना और अपने आप को एक सुरक्षा कवच करना बहुत जरूरी है। तो आज का कार्यक्रम होगा वो सुरक्षा कवच के रूप में होगा कि कोई कोरोना हमारे पास नहीं फिरकेगा। वो देखेगा, अरे ये लोग तो कितने पावरफुल, में कैसे जाऊं, वो रास्ता ढूंढता रहेगा फिर भाग जाएगा। इसीलिए आज स्वागत कैसे करें, तो थोड़ा सा जैसे हम मंगल भावना करते हैं, मंगल गीत करते हैं, सुस्वागतम के लिए कोई स्वागत गीत होता है तो स्वागत भी करते हैं। हमारी वक्ता जो सबकी फेवरेट भी है, प्रेक्षा ध्यान पे डीप में जा रही है, डे टू डे बहुत कुछ प्रेक्षा ध्यान को खोलते खोलते हमारे सामने ओपन कर दिया है। ऐसी हमारे साथ सविता जो ज्ञान की गंगा बहा रही है, दिल्ली से है और हमारे साथ जुड़ के बहुत कुछ बता रही, तो क्यों ना हम एक स्वागत गीत उन्हीं के मुखारविंद से सुने और कार्यक्रम की शुरुआत शानदार गीतिका के साथ हो, इससे और बड़ा बढ़िया प्रोग्राम की स्टार्ट क्या हो सकते। तो आज कविता भी सुननी है, गीत भी सुनना है, आपके एक्सपीरियंस भी सुनने, और एक रिक्वेस्ट करूंगी, सबको थोड़ा मौका मिलना है तो इसलिए शॉर्टेस्ट, मतलब 2-3 सेंटेंस में बोल सके उतना, परंतु कुछ टिप्स देना है कि जो हमारे जिंदगी के लिए काम आएगी, अगले साल के लिए हम उसका उपयोग करेंगे। इसी के साथ माइक हैंड ओवर टू सविता जी। गुड मॉर्निंग, और सभी के स्माइलिंग फेस नए साल में हर दिन की तरह, तो स्माइलिंग फेस के साथ ही एंटर कर रहे हैं। और एमपी के फिटनेस कल्याणम योग हर दिन हर रोज फिटनेस का डोज हमें देता ही है, और उस डोज के साथ ही हम दिन भर एनर्जेटिक भी फील करते हैं।
जैसे गया नवंबर, गया दिसंबर, गए सारे त्योहार, फर्स्ट जनवरी की ये बेला, खुशियों से भर दे हम सबका संसार। तो इनफैक्ट यही, जैसे एक और छोटी सी लाइन में बताती हूँ कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये हम सब जानते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, नेटवर्क बिजी हो जाएगा, विश करोगे कब, हैप्पी न्यू ईयर। यस तो एक छोटा सा गीत, हर पल अपने पास एक मौका है, हर झूमे उस पर गीत के साथ। यस पल अपने पास एक मौका है, खोते हैं इसको तो धोखा है, हर पल अपने पास एक मौका है, ये बहुत छोटा सा जीवन जो हमने पाया है, कितना कुछ करने का ये मौका आया है, ये जानते हैं हम कि किस दिन मरना है, फिर क्यों नहीं करते वो जो हमको करना है, किस सोच में है हम, किसने हमें रोका है, हर पल अपने पास एक मौका है। ओ मरहम, ओम वाह, अरहम। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर मौका, बहुत सुंदर मौका, हर एक के पास मौका है, तो आज हाँ, इसी अभी मौके। सविता जी 1 मिनट में अपना वक्तव्य संपन्न करेंगे गीत के बाद। उसके बाद आप, हम पुष्पा जी बोथरा हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक कविता उन्होंने बहुत शानदार कविता बना के भेजी, हम उस कविता को उन्हीं की जबान से सुनना चाहेंगे। पुष्पा जी बोथरा, मुनि कुमार सम्मण जी की बहन, हमारे साथ जुड़ी है, हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। चलिए सविता जी। कि कोविड अलग-अलग वेरिएंट्स के साथ हमारे सामने बार-बार आ रहा है, एंड नो डाउट यहाँ हम हर रोज फिटनेस का डोज ले रहे हैं, हम आसन प्राणायाम ध्यान इन्हीं के थ्रू, जैसे अभी अलका जी ने भी बताया कि एक अपना सुरक्षा कवच हर दिन बनाते चले जाते हैं, और वही सुरक्षा कवच हम इन्हीं चीजों से रोकता है, और इनफैक्ट कभी-कभार थोड़ा बहुत इंफेक्शन आ भी जाता है तो हमारे भीतर इतनी अपनी सुरक्षा की क्षमता बढ़ जाती है, विल पावर बढ़ जाती है कि हम इन सब चीजों को बहुत इजीली मैनेज करके जल्दी ही इन चीजों से बाहर आ जाते हैं। तो बस जुड़ते रहे, डोज लेते रहे और लाइफ को एंजॉय करते रहे। वाह, सो स्वीट, सो स्मॉल एंड स्वीट एंड बहुत डेप्थ में छोटी सी बात बता दी। अब पुष्प खिलने वाला है, अब पुष्प खिलने वाला है, आज तो गीत हो गए, अब पुष्प खिलेगा, और स्माइली फेस पुष्पा जी का, और मोस्ट वेलकम फ्रॉम एमपी के एन कल्याणम पुष्पा जी, आपका कविता सुनने के लिए एवरीवन इज बहुत उत्सुक है, तो चलिए मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ पुष्पा जी को। जय जिनेंद्र, सभी से जय जिनेंद्र। मैं अभी इसी महीने में दिसंबर लास्ट ईयर ही सबसे आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, तो 2 लाइनें आप लोगों के वेलकम के लिए। वेलकम वेलकम वेलकम, हम सब आज करेंगे ग्रुप के सारे मेंबर का हम वेलकम करेंगे, कि मन में खुशियां हैं छाई, शुभ घड़ी है आ जाई। अब मैं अपनी कविता आपके सामने रख रही हूं। विगत वर्ष का कर अवलोकन, विगत वर्ष का कर अवलोकन,
क्या क्या किया, क्या बाकी करना, इस पर हमको चिंतन करना, विगत वर्ष का कर अवलोकन, क्या क्या किया, क्या बाकी करना, क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, कैसे हमने समय बिताया, क्या निष्पत्ति मिली है हमको, बहुत जरूरी चिंतन करना, बहुत जरूरी चिंतन करना, विगत वर्ष का कर अवलोकन, क्या क्या किया, क्या बाकी करना। ये स्पेशल एमपी के फिटनेस के लिए। विदा कर दिया वर्ष पुराना, विदा कर दिया वर्ष पुराना, एमपी के फिटनेस से जुड़ जाना, हंसी खुशी के बीते पल पल, हर दिन फिटनेस डोज लेना, हर दिन फिटनेस डोज लेना। संकल्पों से बने सुसज्जित, संकल्पों से बने सुसज्जित, अपना यह चिंतन बनाना, विगत वर्ष का कर अवलोकन, क्या क्या किया, क्या बाकी करना, क्या क्या किया, क्या बाकी करना। ओम अरहम। बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। ओम अरहम। एक बार वेरी गुड वेरी गुड यस वेरी गुड यस। सबको है ना आज एकदम खिलते रहना है, अच्छा लगे, गाते रहो, कुछ भी एक्शन करो, वो तो कोई बंधन नहीं है कि यही स्टेप करने, पर ऐसे लगना चाहिए कि सब झूम रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो एंजॉय के साथ कीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि कुछ पाया कुछ खोया, क्या पाया, तो इस बात पे मैं भी कुछ बात आपको शेयर करती हूँ। आओ आओ देखते हैं हम, आओ आओ हम देखते हैं, साल पूरा हो रहा है, साल पूरा हो रहा है, मुड़कर देखिए ना क्या आपने पाया है, मुड़कर देखिए ना क्या आपने पाया है। वाह वाह वाह, बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है, कितनी खरीदी की हमने, कितनी खरीदी की, वाह कितने घूमने गए, कितने घूमने गए, वाह कितनों से मिले, कितनों से, वाह 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 वाह, सबको मिले हम, पर क्या अपने आप को मिले हम। देखिए साल भर घूमते रहे, सबको मिलते रहे, क्या अपने आप को मिले हम, सब कुछ लिया, अब बताओ साथ में क्या आया है, साथ में क्या आया है, यही चिंतन कीजिए कि बहुत कुछ करना है पर ऐसा कुछ पाना है, फोकस उसी पर करना है, कुछ मिरेकल्स अपने साथ होना चाहिए, कुछ अपने साथ होना चाहिए। तो मुझे बताइए, मुझे बताइए एक मैजिकल चीज जो हमारे साथ है, जिससे साथ हम दोस्ती कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज है बताइए कि जिसको हम खो रहे हैं, पा नहीं रहे हैं, फटाफट चैट में लिख दीजिए, क्योंकि ये वर्ष के लिए इसका स्वागत करना बहुत जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है और इसको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है, तो बताइए कौन सी ऐसी चीज है। यस, सोचो सोचो सोचो, यस, मधु जी ने फटक के लिखा, मधु जी का जवाब तैयार है तो, और परफेक्ट जवाब, तो मधु जी के लिए एक बार ओम अरहम, सांस श्वास श्वास श्वास, बिल्कुल सब कुछ आता है चला जाता है, फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव आते हैं, शरीर आता है चला जाता है, जब श्वास उसी के साथ चले जाएगा तो अपने साथ रहने वाली एक ही चीज है, वो कौन सी है, श्वास। और हम कितने भाग्यवान गुरु मिले, ऐसे महान दिया है उन्होंने ऐसा ज्ञान, अरे इसको अपने साथ रखो ना तो देखो हम भी बनेंगे महान, महान तो मत बनो, एक अच्छा इंसान बनो, स्वस्थ इंसान बनो, मस्त इंसान बनो, यही संकल्प करना है। और हमारे पास जो गुरुवर ने मिरेकल ऐसी एक चाबी दी है, मैजिकल की दी है, जो मैजिकल की हमें स्वस्थ रखेगी, मस्त रखेगी, ये मिरेकल है, मैजिकल है, अमेजिंग है, उतनी ही वो सरल है, सहज है और सुंदर भी है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, और पाता क्या है, बहुत कुछ पाता है, कौन सी ऐसी चाबी है बताइए, रोज हम उस पर काम कर रहे हैं सभी, चलो फटाफट जवाब, मधु जी का नंबर हर टाइम पहला नहीं आना चाहिए, आप भी तो फर्स्ट आइए। यस यस यस, वेटिंग, कौन सी मिरेकल चाबी, कौन सा ऐसा रोज हम कर रहे हैं कि जिससे जो हमें गुरुवर ने अभी अभी दिया, मैंने नाम जोग जैन, करेक्ट, वेरी गुड, वाह उनके लिए भी वाह वाह वाह, चलिए हाथ ऊपर कीजिए सबको, वाह यस वाह यस यस वाह। आनंद भाई जी, 1 मिनट के लिए हम समतल श्वास करेंगे, कुछ करेंगे भी, और उसके बाद हमारी स्पेशल जो ज्योतिंद्र जी ज्योतिर्लिंग जवेरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिराकल्स ऑफ ज्योतिर्लिंग, मेडिटेशन, इन्होंने बहुत सुंदर मिराकल्स
बताए थे हमें ध्यान से चमत्कार क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आपका सेशन भी बहुत शानदार हुआ था, आपको याद होगा। तो हम इनको भी सुनेंगे, ज्योतिंद्र जी को भी इसके बाद। 1 मिनट का आप प्रैक्टिकल करवा दीजिए पहले, उसके बाद। चलिए सभी 1 मिनट का हम बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं और उसके बाद ज्योतिंद्र झवेरी को सुनेंगे। ज्योति, वो ज्योति फैलाने वाले हैं, नए वर्ष के लिए हमें दीपक दिखाने वाले हैं और पूरा कैसे जीवन उजाला फैलेगा ये हमें जानना है। तो 1 मिनट के लिए सभी सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ अपने प्रिय सबसे अच्छे दोस्त बनाना है इस साल अपने श्वास को। बस मैं और मेरा श्वास, श्वास को जानना है, श्वास को देखना है और श्वास के साथ ही सब कुछ करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बॉक्स ब्रीदिंग, केवल 1 मिनट के लिए। पूरा ध्यान शरीर पर, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो गया है, गहरी एकाग्रता पूरी जागरूकता के साथ बॉक्स ब्रीदिंग की शुरुआत कीजिए। श्वास भरे 1 2 3 4 5, रोके 2 3 4 5, छोड़े 3 4 5, रोके 2 3 4 5, श्वास भरे 2 3, छोड़े, रोके 2 3 4 5, छोड़े 2 3 4 5, रोके 2 3 4 5, भरे 2 3 4 5, रोके 2 3 4 5, छोड़े 2 3 4 5, रोके 2 3 4 5, लास्ट का एक उसका प्रयोग। श्वास भरे तब प्राण ऊर्जा अंदर 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 ले, रोके तब कल्पना करे पूरे शरीर में ऊर्जा फैल रही है फैल रही है। वाह, शरीर ऊर्जा से भर रहा है। श्वास छोड़े तब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टॉक्सिन, चिंता, विचार, निगेटिव बाहर बाहर सब बाहर गए। एक हल्की सी मुस्कान के साथ रोकिए श्वास को, अनुभव कीजिए कि मैं बहुत शक्तिशाली ऊर्जा में हो चुका हूँ। आनंद की अनुभूति, धीरे से अपने आंख को खोलना है। देखिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इसको हमें तो वरदान दिया है, ये विश्व के लिए वरदान है ये अवतार। परंतु अभी महाश्रवण जी के साथ में कुमार श्रवण जी इसको इतना सुंदर तरीके से समझा रहे, हर व्यक्ति को बता रहे और जो मिले उनको इसको करने के लिए प्रेरणा दे रहे। तो उन्हें सबको, महान आत्माओं को हम वंदन करते हुए आज से हमारे जीवन में हर एक के ये श्वास चलता रहे, हम आगे बढ़ते रहे और स्ट्रांग बने, ऊर्जामय बने। इसी भाव के साथ मैं ज्योतिंद्र जी को याद करूंगी कि आइए आप बताइए आपके विशेष ओम हरम। नए वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। देखिए, आज का जो विषय बताया गया है, कैसे बने हैप्पी एंड हेल्दी अपनी नई सोच के साथ, तो मैंने एक सोचा है कि मैं ये 2024 में यात्रा करने वाला हूं, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, शुभेच्छा दीजिए कि मेरी यात्रा सफल हो। आप कोई यात्रा करने वाले हैं तो बताइए चैट में। मैं तो पूना में हूँ अभी, भारत में, और यात्रा के बारे में मैंने सोचा है, प्लान है। लेकिन ये यात्रा सबसे छोटी रहेगी मेरी,
और जो मैं अभी थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, अभ्यास करना चाहता हूँ, और वो है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा बहुत जरूरी है, और पूरे वर्ल्ड में घूम के आए हैं, यहाँ गए वहाँ गए, हिंदुस्तान भी बहुत बड़ा है, भारत में भी बहुत ट्रैवल किया, लेकिन ये 2-3 फीट की यात्रा करनी जरूरी है। तो मेरा जो प्लान है, मैं बता रहा हूँ कि हम अंतर यात्रा करेंगे, और आप लोग भी समय निकाले, लेकिन अंतर यात्रा ये एक स्टैंड अलोन प्रयोग नहीं है, उसके साथ में आगे पीछे जो स्टेप्स है वो भी साथ में करना जरूरी है। जैसे एयरपोर्ट जाएंगे तो परदेश जाते हैं तो वीजा लेना जरूरी है, पासपोर्ट लेना जरूरी है, तो शुरुआत ताड़ासन से करते हैं, अरहम ध्वनि से करते हैं, और अंत में लास्ट स्टेप हम वंदे सच्चम करते हैं। अंतर यात्रा करने से कुछ ऊर्जा हमारे शरीर में एक क्रिएट हो जाती, और वंदे सच्चम से हम वो जो एक नम्रता का भाव है वो हम अभ्यास करते हैं। तो केवल यात्रा ना करें, थोड़ा वीजा पासपोर्ट भी साथ में ले, सब स्टेप्स जो प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में बताए गए, आप सब माहिर हो, आप सब स्पेशलिस्ट हो, मैंने सुना भी है। आनंद बल जी का तो मैं क्या बताऊं, ये जो इनिशिएटिव लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आप लोग ने जो लिया है ये बहुत जरूरी है लोगों को बताना और सीखना। देर इज नो स्टॉप इन लर्निंग, कोई इसमें कोई एज या कोई कास्ट या कोई आप कितने पढ़े लिखे हो उसमें कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जैसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ और वर्तमान आचार्य श्री महासमन बता रहे थे कि भाई हम जो कार्य करते हैं इसमें प्रेजेंस रखे, न्यूट्रल रहे, और सत्य की शोध करें, और लास्ट में मैं एक ही बताऊंगा कि हम 2024 में मेडिकेशन कम करें और मेडिटेशन बढ़ाएं। मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में ही हमारी क्षमता है हमको स्वस्थ रखने की, तो हम मेडिटेशन बढ़ाएं। ओके धन्यवाद, बंधुओं थैंक यू वेरी मच। और बहनों, आपको जानकारी करा दूं, ज्योतिंद्र जी जवेरी नए साल में हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा लेकर आने वाले हैं, और इनका एक सीरियल त्रिदिवसीय कार्यक्रम कल हमने फाइनल किया है, महाप्रज्ञ जी की कहानियों पे आधारित 24 कहानियां, 2024 साल में 24 कहानियां इन्होंने चुनकर निकाली है, और उन 24 कहानियों को हम सुनेंगे त्रिदिवसीय कार्यक्रम, और इसका शुभारंभ हम अगले इस आज सोमवार है, अगला सोमवार हमारा 8 तारीख का पहला एपिसोड होने वाला है, और 3 दिन में उसका हम पूरे 24 कहानियों को सुनेंगे, तो जरूर आपको जो त्रिदिवसीय कार्यक्रम लेके आने वाले हैं उसका भी हम फायदा लेंगे। कहानियां सबको अच्छी लगती है, और महाप्रज्ञा जी की जो प्रेरणादायक कहानियां है वो तो किसको अच्छी नहीं लगती है, तो उन कहानियों पर आधारित एक कार्यक्रम भी हम लेने जा रहे हैं ज्योतिंद्र जी का, ओम अरहम। बहुत सुंदर कहानी, जैसी तो बात ही नहीं है, ये बच्चों से लेके बूढ़े तक सबको अट्रैक्ट करती है, और फिर उसमें प्रेरणा मिलेगी, नॉलेज मिलेगा कहानी के साथ, तो कितनी बड़ी बात है। तो देखिए, एमपी के फिटनेस और कल्याण केंद्र यही सोचती कि कुछ नया भी हो, अच्छा भी हो, और जहाँ भी कुछ लोगों का बेनिफिट हो, और हेल्थ के लिए, माइंड के लिए, इमोशंस के लिए, जो फ्रेश करने वाली चीजें हो, उसका हम हमेशा ही स्वागत करते हैं। इसीलिए हमारे सविता जी की इतनी बड़ी सीरियल चली, मंजू जी की दूसरी सीरियल चली, मेरी तीसरी सीरियल चल रही, तो जो अच्छी चीजें उसकी सीरियल भी चलती रहती है, तो बहुत 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 मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आइए,
हम लोगों ने वक्ताओं की बात सुनी, मतलब जो यहाँ क्लासेस लेते हैं, सविता जी को सुना, जितेंद्र भाई जी को सुना और पुष्पा जी की सुंदर कविता के बाद अब हमारे रोज के ज्वाइन होने वाले स्पेशल ऑडियंस, जिनके बिना ये क्लास हो ही नहीं सकती, तो उनका पहले स्वागत करना बहुत जरूरी। स्वागत भाव भरा अभिनंदन करते नए वर्ष में। तो इस नए वर्ष में कौन है कि जो आपने साल भर में क्या पाया उसमें से हमको आज आपको देना है। आप बताएंगे कि मैंने इस फिटनेस क्लास में ये पाया है और ये लोग याद दिलाए, ताकि हर एक के दिमाग में एक नया पॉइंट होगा, तो फिर हम पूरे साल भर का रिफ्रेश हो जाएंगे। तो चलिए, कौन है आज पहली बार बताने वाले, ला फटक के जिनका हाथ होगा वो बताइए बताइए। सही जवाब दिए थे अशोक जी और पुष्पा जी ने, जितेंद्र जी उनका स्वागत कर रहे हैं और धन्यवाद भी दे रहे हैं। अंतरयात्रा, अंतरयात्रा के लिए तो हम तैयार ही है, क्योंकि हमेशा ही गुरुदेव ने यही फरमाया आचार्य महाप्रज्ञ, रहो बाहर जियो भीतर। तो ये अंतर की यात्रा है और वो तो करनी है, और वो आपके साथ और आपके गाइडलाइन में, मार्गदर्शन में होंगे तो हम करेंगे ही ना। तो चलिए 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 चलिए, हाँ, कौन बोल रहा है पहले? यस, अशोक जी बोलिए। हाँ, हेलो। एक गुरुदेव तुलसी की कृति मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो अपने को आगे में क्या करना है इसका। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं, चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम न रुकना जानते हैं, हम न झुकना जानते हैं, हो प्रबल संकल्प इतना, सफल हो सब कल्पनाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं, हे प्रभो पापंथ तेरा हो रहा अब नव सवेरा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ चिंतन, चेतना की लो जलाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। ओम हरा। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, संगीता जी झंवर हैदराबाद से। नमस्ते सभी को, जय श्री कृष्णा, नए साल की सभी को बधाई हो। सर, हमने अल्पी के लिए क्लास से होके हम फिटनेस पूरा हम फिट हो गए सर, हर चीज में। मेडिटेशन करने में भी मन अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा, विचार तो अभी भी आ रहे हैं, और इसमें भी हम आगे कामयाब होंगे पूरा विश्वास है सर आपके साथ जुड़ के। हमें तो लॉकडाउन में लोगों को शायद बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हमारे को तो लॉकडाउन हमारे लिए गोल्डन पीरियड रहा सर। आपसे जुड़े और से बहुत से ऐसे ग्रुप से हम जुड़े, और हर चीज ऐसा नहीं हेल्थी नहीं सर, आपने माइंड फिटनेस हर चीज का आपने पूरा समागम हमारे को आपके ग्रुप से मिला है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सभी ने आके हमें बहुत कुछ सिखाया सर, ओम हम अरहम। हमारे ओम अरहम। पास शब्द ही नहीं है आपके लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत सबसे बड़ी बढ़िया। बात, सबसे बड़ी बात यह है कि संगीता जी बिल्कुल नियमितता से जुड़ती है और प्रयोग भी करती है, प्रश्न भी पूछती है और कोशिश करती है कि भाई मैं कुछ करूं, कुछ जानूं और आगे बढ़ूं। इसी के साथ सुशील कुमार जी भी हमसे जुड़े रहते हैं, सुशील जी और बोलिए। जी जय जिनेन्द्र, सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। मेरा मैं आज एक किताब पढ़ रहा था सुबह 4 बजे से, गुरुदेव की। उसमें लिखा था, संयम, समता और अनासक्ति, ये तीनों हमें स्वस्थ रह सकते हैं और हम हमें प्रसन्न रख सकते हैं। दूसरा, सम्यक आहार और सम्यक श्वास, जैसे, और इन्होंने अभी ज्योतिराज जी ने
नाम जावेरी साहब ने बताया कि अंतर यात्रा ये प्रयोग हमें अगर सिखाया जाए तो हम और आगे बढ़ सकते हैं, मेरा ये निवेदन है। थैंक यू। ओम मधु जी, ओम अरहम, सभी को नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछला वर्ष जो गया वो मुझे एक तोहफा देकर गया आपसे जुड़ना, और नए वर्ष में अभी जैसे उन्होंने बोला कि वो अंतर यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं, या सम्यक स्वास्थ्य सम्यक क्या है, तो ये भी हम करवा सकेंगे। अंतर यात्रा तो बहुत ही अच्छी है, और मेरा ये संकल्प है कि मैं इस बार ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं और खुशी जो है वो बांटती रहूं। खुशी बांटने की चीज है, और सबको खुश, सबके साथ मुस्कुराइए। ये मत सोचिए कि इसको मैंने देखा तो है नहीं, मैं क्यों मुस्कुराऊं। आप मुस्कुराएंगे, धीरे धीरे वो आपको समझने लगेंगे। हमेशा बहुत मुस्कुराते रहिए उम्र। अच्छा संदेश दिया कि मुस्कुराते रहिए। इस बात पे जी मैं एक जी बात बताऊंगी, मैं यूएसए गई थी फर्स्ट टाइम, मतलब अभी तो बार बार जाती हूँ, फर्स्ट टाइम। तो मुझे किसी ने पूछा कि क्या वहां की बात अच्छी लगी, तो मुझे याद है मैंने कहा वॉकिंग जाते हैं तो कोई भी अमेरिकन दिखता है तो स्माइली फेस, हंसता है, नहीं, हंसी करता है, पर इंडियन देखता है तो घूर घूर के देखता है, हंसू वो भी है, वो महाराष्ट्र का है कि गुजरात का वो है। सोचता है मैं इसको जानता नहीं हूं, ये हाँ, क्यों मुस्कुरा रहा है, और यूएस के कहीं बच्चे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो यस, मैं क्यों कहती यूएस के हूँ लोग इतने खुले दिल से हंसते, सबसे मिलते हैं तो हाय करते, बिना बिना जाने ही उनकी स्माइल देखते, वो बात मुझे सबसे पहले टच करके गई थी। आज हमारे साथ और भी जयश्री पेंडारकर भी जुड़ी है, कि जो नागपुर की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ है। इनकी अनेक किताबें आहारों पे आई आहार पे लिखी हुई है, और वो सबको मतलब बहुत मार्गदर्शन करती है। उनका भी हम स्वागत करते हैं एक बार, जयश्री जी का स्वागत, मंजू जी का स्वागत, जो जो आ रहे उनका स्वागत करते हुए, अनिल जी, अनिल बेंगानी ने अपना हैंड रेज किया है, तो आइए अनिल जी बताइए आपके विचार। जय जिनेंद्र, सभी को नव वर्ष की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। सभी का ये नया वर्ष मंगलमय हो, आनंदमय हो, प्रसन्नमय हो, शांतिमय हो, सौहार्दमय हो, प्रेममय हो, करुणामय हो, दयामय हो। तो इस नए वर्ष में हम कुछ नया करने की सीखे, नहीं तो फिर पुराना अगर कुछ करेंगे तो फिर पुराना ही रह जाएगा, वो नया बदलाव नहीं आएगा। तो हम कुछ नया करने की सोचें और हम नए साल में अपने संकल्प को मजबूत बनाएं, अपने इस संसार को एक ड्रामे की भांति रहकर इसी में खुशी, अपनी खुशी को कभी कम ना होने दें। ये तो एक चलता रहने वाला ड्रामा है, कभी खुशी होगी, कभी गम होगा, कभी दुख होगा, कभी सुख होगा, ये सब तो चलते ही रहेंगे। लेकिन अपनी खुशी को, अपनी जिंदगी को कभी कभी खोए नहीं, हमेशा अपनी प्रसन्नता को बनाए रखें, अपनी जिंदगी को जिए, भरपूर जिए। ये मेरा इस ओम नव वर्ष पर संदेश है, और आप सबके लिए फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ओम अरहम। आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो, आपका मनोबल मजबूत हो। मैंने एक पंक्ति पर हम लोग गाते हैं ना, मजबूत मनोबल ऐसा हो, संकल्प हो सब कल्पना है, सफल हो सब कल्पना है। तो हमारी कल्पना सभी सफल होगी जब हमारा मनोबल मजबूत होगा, जब हमारा आत्मिक मनोबल, आत्मिक बल मजबूत होगा। और आत्मिक बल मजबूत होगा ध्यान से, साधना से, योगासन से, प्राणायाम से, प्रत्याहार से, धारणा से, ध्यान, ये जितने भी हम करेंगे उतने हमारा आत्मिक मनोबल और हमारा मन का मनोबल मजबूत होगा। और जितना मनोबल मजबूत होगा उतने हम नए साल में और अपनी जिंदगी को जीने के लिए अच्छी आप एनर्जी बना सकेंगे, और हम आगे से आगे बढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। क्योंकि भगवान ने जो जीवन हमें दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया है, कुछ पाने के लिए दिया है। जिस लक्ष्य के लिए हमें भगवान ने भेजा है, हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य बने। ये भावना आप सबके साथ मैं शेयर करता हूँ नए साल के लिए, कि जो लक्ष्य हमें ओम भगवान ने भेजा है उसके लिए आप सभी उस लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं भावना के साथ ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत ओम अच्छी अच्छी अरहम। बात। हाँ, जयश्री जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। जयश्री जी पेंडारकर नागपुर से, जाने माने आहार विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ी है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि आज हमें आपका आशीर्वाद भी मिल रहा है। सुप्रभात। ये आपने जो आज का इस चीज इसका संयोजन किया है, ये मुझे
देख के बहुत खुशी होती है। ये बहुत अच्छी कल्पना है कि नया साल हम ऐसे शुरू करें और सब लोगों से जुड़ना है, भारतवर्ष के सभी लोगों से जुड़ना है। ये जो अलका तई की संकल्पना है, ये मैं इसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। और एक दूसरे से जुड़े रहे, इसी में कितनी खुशी है। तो ये तो हम हमेशा जुड़े रहना चाहिए, और मैं भी आपके साथ रहूंगी। और ये जरूरी है कि हमारे जो कुछ अभी आगे के जितने साल हमारे जीवन के हैं बचे हुए, तो हर एक पल हम किसी ना किसी अच्छी चीज के लिए उसका इस्तेमाल करें। हर एक पल में खुशियां बांटे, हर एक पल में जितना हो सके हमारे संस्कृति के बारे में लोगों को बताएं। जो अभी फूड कल्चर हम देख रहे हैं समाज में, वो कल्चर बहुत गलत है। तो हम जितना अपनी संस्कृति से, अपने ट्रेडिशनल फूड से जुड़े रहे, उतना हमारे लिए सही है। और प्रोसेस फूड, प्रक्रिया किए हुए खाद्य पदार्थ हम ना लें, इसका भी प्रचार करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग अभी घर में खाना बनाना भी बंद कर रहे हैं। वो दे आर लिविंग ओनली ऑन द फूड्स दे आर अवेलेबल इन द मार्केट, विच इज नॉट एट ऑल करेक्ट। और इसके साथ अभी जैसे ये 23 खत्म हो गया है, बट इट वॉज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स। तो ये मिलेट्स का भी हमारे आहार में हमने प्रादुर्भाव करना चाहिए किसी ना किसी ढंग से। रोज थोड़ा ना थोड़ा 10-11 प्रकार के मिलेट्स है जो वहाँ उत्पन्न उपलब्ध है, वो हमने इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि मिलेट्स के ही मदद से जो जितना ये डायबिटीज बढ़ रहा है, ये शायद कुछ कंट्रोल में नेक्स्ट जनरेशन के लिए आ सकता है। अब मिलेट्स की अवेलेबिलिटी बहुत थोड़ी कम है, लेकिन उसके लिए भी हमें प्रचार करना चाहिए कि ये जो किसान है वो उसको उसकी खेती करे। क्योंकि मिलेट्स ही हमारे लिए एक आंसर है, और जितनी भी बीमारियां बढ़ रही है उसके लिए मिलेट्स इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन टू सम एक्सटेंट। तो उसका हमने प्रचार करना चाहिए, क्योंकि मिलेट्स से ही हमें ये तो बहुत अच्छे सब पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, बिल्कुल लेकिन उससे हमें इम्यूनिटी भी मिलती है। हमारे शरीर में हमें रोग प्रतिकार शक्ति प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, और ये सब खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त होती है। और इसके साथ हमारा योग प्राणायाम ये भी होता रहे। तो अगले साल हमारा प्रयत्न ये रहे कि हम हमारी जनरेशन में हमारे पोता पोतियों के लिए भी हम इसका कैसे प्रचार कर सके, उसकी सोच हमने करनी चाहिए। तो सबको नए साल की शुभकामनाएं, और आप सबका स्वास्थ्य, हमारा सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, यही मैं शुभकामनाएं करती हूँ। धन्यवाद। ओम अरहम। मिलेट्स के बारे में आपने बताया, और मिलेट्स के बारे में हमने आपका एक विशेष स्पेशल सेशन भी हमारे इसमें हुआ है, हमने रखा है। हम उस वीडियो को दोबारा देखना चाहेंगे तो मैं उस वीडियो को शेयर करूंगा, ताकि उस हाँ वीडियो को आप देखें और समझें। मिलेट्स के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है, हमने हाँ इस हाँ स्पेशल प्रोग्राम भी लिया हुआ है, उस वीडियो को हम दोबारा शेयर करेंगे। हाँ, जी मंजू जी सिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मंजू जी, ओम अरहम। उमर हम सभी को सुप्रभात, हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं ना, हम एक बार नहीं मनाते हैं नया साल, कई बार मनाते हैं। अभी मनाया, फिर मार्च अप्रैल में पहला चैत आएगा, फिर अप्रैल मई में पहला बैसाख आता है दिवाली के बाद। तो ये गर्व करना चाहिए कि हम ऐसे देश में हैं जहां हम साल में कई बार नया साल मनाते हैं। तो अच्छी बात है ना, नए साल को नए नए रिजोल्यूशन लेना। अब जब हम जैन है, तो मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हर समय नया होता है। हर समय जो बीत गया वो तो ओवर, खत्म। जो प्रेजेंट है वो हमारे लिए नया ही समय है, तो हर नए समय का हम उपयोग करें। ये जो नया है, नया समय यानी प्रेजेंट, तो लिव इन प्रेजेंट। आज योगा कहें, अध्यात्म कहें, लिव इन प्रेजेंट, हम वर्तमान में रहें। यही मैं चाहूंगी कि सब अपना अपना रिजोल्यूशन बनाए। अगर हम प्रेजेंट में रहते हैं तो यही ध्यान है, यही योग है, यही सुख है, यही आनंद है। जो कुछ है लिव इन प्रेजेंट, तो हर क्षण नया है। उस नए क्षण को हम आनंद से जिए, यही मंगल कामना करूंगी इस नववर्ष पे। और एमबीके फिटनेस,
मुझे इतनी खुशी है इस मंच से जुड़ के कि नए नए लोग, नई नई जानकारियां, और आनंदमल जी भाई साहब और अलका जी जैसे प्रेरणादायी जो हमारे आदर्श बन सकते हैं, ऐसे लोगों से जुड़ना मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। और मेरे लिए ये मंच एक और सही पूछू तो लालच है कि हमारे प्रेक्षा ट्रेनर्स है वो भी अपने हिसाब से इस मंच से जुड़ते हैं और अपना अपना दे पाते हैं वक्तव्य वगैरह, अपनी ग्रूमिंग करते हैं। तो आनंदमल जी भाई साहब और अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह इस मंच को चलाते रहें, हमें बुलाते रहें, और नए साल में और नई नई बातें हम सीखें। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम मंजू जी नाम है, मंजू मंगल भावना है इनकी जुबान में, इनके मिठास है मंजू जी। मंजू जी बहुत अच्छी तरह से वक्ता तो है ही, परंतु उनका जो लोगों को भी जोड़ने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। बहुत सालों से हमने साथ में काम किया है और अब हाथ तो मुझे किसी का ऊपर नहीं दिख रहा है। सुचेता जी, सुचिता जी हैंड रेज करना चाहिए, आज बोला है, आज रिक्वेस्ट की है कि हैंड रेज होना चाहिए आज सबके। उन्हीं को हम फर्स्ट चांस देंगे, जैसे अशोक जी ने फटक के फर्स्ट चांस ले लिया, तो मोस्ट वेलकम। यस, उसके बाद सुमन जी का भी हाथ ऊपर है, तो सुचिता जी के पास। जय जिनेन्द्र, सभी को फिटनेस हैप्पी न्यू ईयर। सही में संगीता जी ने कहा कि इतना कुछ हमें इस मंच से मिलता है कि शब्द ही नहीं है कि क्या बोले। सही में मैं सबके विचार अभी सुन रही थी। एक जैसे मैं इस क्लास से जुड़ी हूँ, रोज रोज नया सीखती हूँ, शारीरिक रहे, आध्यात्मिक रहे, कौन सा भी टॉपिक रहता है, हर एक ट्रेनर आता है कुछ ना कुछ नया। अरे आज तो योगा है, अरे योगा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ नई बात सीखने को मिलती ही है हमें, रोज रोज मिलती है। और यहाँ ये तो मंच इतना अच्छा है कि यहाँ पे हमारा शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास हो ही रहा है, और जो एक जो रोज एक नया कुछ रहता है तो उसके उसका भी एक विषय लेके हम इस मंच से चर्चा करते हैं, ये अलग बात है। यहाँ ऐसे क्लास कौन से भी क्लास में नहीं होता है कि अरे ये दिन आया मालूम नहीं रहता, लेकिन हमारे क्लास में पर्युषण दिन पर्युषण के ऊपर चर्चा रहती है। ऐसे हमारा एक क्लास बहुत सुंदर क्लास है, मुझे गर्व है कि मैं यहाँ जुड़ती हूँ। सही में मुझे 6:15 से ही रहता है कि क्लास को जुड़ना है, क्लास से जुड़ना है। पहले तो कुछ भी मालूम नहीं था मुझे, लेकिन जैसे मैं जुड़ी और अलका जी को देखती हूँ तो इतनी एनर्जी आती है। सही में इस क्लास से जो सीखी हूँ तो एनर्जी कैसी चाहिए हमें दिन सारी, तो एक क्लास से सीखी हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ है लेकिन बोलना नहीं, मैं लिख के जरूर भेज दूंगी। गले का भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ओम आरम। जय जिनेन्द्र सभी को, और कुछ गलती हो तो माफी भी दे चाहती हूँ। कुछ हमारी डेली जुड़ने वाली है, जिस जैसे उन्होंने कहा प्रारंभ में इनको कुछ भी नहीं आता था, आज तो ये एक्सपर्ट बन के योगा भी कराती है। अगर मैं आनंद भाई जी नहीं हुआ तो ये क्लास स्टार्ट भी करा देती है। मतलब यहाँ जुड़ते जुड़ते वो इतनी कुछ सीख चुकी है और इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वी आर प्राउड। हम ये चाहते हैं सही में अलका जी, मुझे इस मोबाइल का स्टार्ट करना, मीटिंग सर का फोन आता था तो थोड़ी सी टेंशन, फिर मैं लड़की को जगाती थी कि मुझे स्टार्ट करना है, तू देख मुझे स्टार्ट करना। सही में सीखी हूँ तो मैं एमपी क्लास से सीखी हूँ, स्टार्ट करना, मीटिंग एंड करना, म्यूट करना, अनम्यूट करना, सर बोलते थे यहाँ पे ऑप्शन रहता है, यहाँ पे ऑप्शन रहता है। सही में मैं जो कुछ हूँ आज एमपी के क्लासेस से हूँ। बहुत सुंदर, बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि हर नए व्यक्ति को ये स्टेज मिले। कई बार मैं फोन करती हूँ तो बोलते बापरे मैं अकेली 1 घंटा, मेरे से तो होगा नहीं अलका जी। मैं बोलती तू जहाँ रुक जाएगी वहां मैं हूँ, तू चिंता मत कर, एक बार जुड़ तो जा। और जुड़ने के बाद घंटा पूरा होता है तो भी उसका पूरा नहीं होता है। मतलब अंदर बहुत कुछ है पर थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत होती है। अंदर सुप्त गुण है, उसको प्रोत्साहन देने का काम हम दोनों ने, आप दोनों ने बहुत अच्छी तरह से किया। हमें ही मालूम नहीं था कि हम इतने अच्छे ट्रेनर है, लेकिन आप जो जोवरी का काम करते हो तो बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी ओम, सभी को प्रणाम। नए साल की एमपी के क्लास से जुड़े हुए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। सुमन जी बोलिए। अजी आ रही सुमन। अभी सुचिता जी ने कहा जैसे मैंने तो सुबह का योगा का क्लास था, मैं कुछ महिला आई थी, मैं लातूर से बोल रही हूँ, सुमन पवार जिला प्रभारी। आप सभी से इतना ज्यादा सीखा है कि इसीलिए मैंने सुबह का क्लास बंद कर दिया, शाम को 6 बजे क्लास लेती हूँ, 6 से 7 तक। सब महिलाओं को काम रहता है, खाना बनाना, बाहर जाना,
लेकिन वो सब छोड़ के जितने आते हैं उतना मैंने सुबह का बंद कर दिया है, तो भी इतना कंटिन्यू नहीं जुड़ना होता है। कभी कभी ऐसे बाहर चली जाती हूँ वॉकिंग के लिए, नए नए ट्रेनर से, नई नई इतनी बातें योगा हर से मतलब हर एक चीज के बारे में इस क्लास से सीखने को मिलता है। सिर्फ योगा ही नहीं तो आध्यात्मिक बहुत सारी चीजें हमने इस क्लास से सीखी, अलका जी से, सविता जी जैन से, सभी से। अभी मेडिटेशन का भी सेशन होता है, तो इस साल भी और अच्छे से सीखेंगे। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। अर्चना जी, उसके बाद कविता जी वाठिया गुवाहाटी से एंड्रेज की आवाज। कविता जी आप, अर्चना जी पहले बोल लेते, उसके बाद आप। अभी वक्त कम है तो हमें कुछ थोड़ा सा एंजॉय भी करना है, थोड़ा डांस भी करेंगे, सभी खड़े हो गए एकदम जय तो जिने। थोड़ा जल्दी अर्चना जी जल्दी। बोलिए। हाँ मुझे तो, हाँ नए साल की सबको बधाई हो। और मुझे तो एक बात कहनी है कि इतना बड़ा ये सर एमपी के फिटनेस क्लासेस चलाते हैं, सर को देख के तो मुझे बहुत बहुत उत्साह और आनंद आता है, और उनके प्रार्थना से ही बहुत अच्छा लगता है। और नए नए ट्रेनर बुलाते हैं ना, तो बहुत अच्छा है सीखने, नई नई बातें सीखने मिलती है, और ध्यान धारणा ये सब बहुत अच्छा लगता है। और हमें फिटनेस का डोज तो बहुत अच्छा मिलता है सुबह सुबह, इसलिए धन्यवाद यम की फिटनेस, और अलका जी को भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कविता जी, कविता जी सभी को नव वर्ष की प्रथम प्रभात पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा 2023 में एमपी के फिटनेस क्लास से मंजू मैम ने मुझे मोटिवेट किया, और मैंने काफी लोगों को मोटिवेट भी किया है तो जुड़े। और मेरे को सबसे अच्छा लगा अलका मैम का जो समताल श्वास है, मैंने ऐप भी डाउनलोड किया और डेली कर रही हूँ मैं मैम, बहुत अच्छा लगा। और स्वभाव में भी बहुत परिवर्तन आया इस चीज से, मेरी इच्छाएं बहुत कम हो गई है। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी जो चीज सीखी है मैं अपने स्वयं के लिए, समाज के लिए और देश के लिए मैं उसको करना चाहूंगी। और एक संकल्प करती हूँ एमपी के फिटनेस क्लासेस में एक दिन में भी क्लास लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं प्रेक्षा प्रशिक्षक हूँ 2024 में। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम कविता। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि समताल श्वास प्रेक्षक के ट्रेनर हम बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति घर घर इसको आगे बढ़ाए और ये दीप जलाते जलाते पूरे विश्व में फैल जाए। अभी 55 देश जुड़े हुए हैं, 80,000 से अधिक लोग इसको डाउनलोड करें। ये आपकी भावना अच्छी लगी, जब भी ट्रेनिंग सेशन होगा हम ग्रुप में डाल देंगे। केवल 5 घंटे की ट्रेनिंग होती है, 5 दिन रोज शाम को 1 घंटा 8:30 से 9:30, तो आप सब जुड़े ट्रेनर बने, गुरुदेव के इस महान मतलब जो अवदान है वो विश्व का लिए वरदान बनाकर आप भी इसमें सहभागी हो। इसके साथ सीमा जी, सीमा बोद्रा। जय जिनेन्द्र, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भाई साहब और अलका जी आप दोनों को तो बहुत ज्यादा ही शुभकामनाएं, और हैप्पी न्यू ईयर सभी से। ये क्लास बहुत ही अच्छी होती है, हालांकि मैं कभी जुड़ पाती हूँ कभी नहीं जुड़ पाती हूँ, पर मन रहता है कि मैं जुड़ूं। आज भी थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैं कह नहीं, आज नया साल है, आज तो हमको जुड़ना ही है। वीडियो रिकॉर्डिंग में बाद में देख लेती हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है, लेकिन ये सच में यहाँ से हम लोगों को इतना कुछ सीखने को मिलता है कि हम अगर अलग अलग इसके लिए क्लासेस करने जाए अलग अलग जगह पे, तो शायद हम ये इतनी सारी चीजें नहीं सीख सकते, क्योंकि कहीं जाए तो वहां सिर्फ एक ही क्लास सीख सकते हैं, पर यहाँ पे हमें सारी क्लासेस की सारी वैरायटीज एक ही जगह पे मिलती है, और वो भी 1 घंटे में, ताकि हमारा पूरा दिन एनर्जेटिक रहे और पूरा टाइम हमारा बच जाए और हमें सीखने को बहुत कुछ मिले। तो मल्टी टैलेंटेड ट्रेनर्स आते हैं और हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, हम जितना सकते हैं उतना उनका मतलब ग्रहण भी करते हैं, और कुछ हो नहीं पाता है लेकिन सीखने को बहुत कुछ है, इसीलिए ये क्लास हमेशा चलती रहे। ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक यू, हमारी भावना यही है कि सब जुड़े रहे, नया साल आया है, अपने संग खुशियां लाया है, आप हमारे दिल में रहे, आप हमारे दिल में रहे, बस यही हरमान मन में छाया हुआ है। तो आप सबको एक परिवार बन के यहाँ जुड़ना है और जुड़ के साथ में रहना है। तो हो जाए क्या एक डांस या गाना, लास्ट टाइम है अपना, एक तो श्वास का एक का प्रयोग किया, कुछ तो करे, तो कोई गीत गा सकता है क्या, खुद पुराना गीत एक आधा कोई आ जाता है किसी, आप ही गाइए, आप ही गाइए आज। मेरी आवाज अच्छी नहीं है इतनी, ये सब इतने लोग बैठे,
बहुत अच्छी आपकी आवाज। चलिए गाते हो, जैसे भी ये गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए। चाहिए। तो चलिए मैं गाती हूँ, आप सब मेरे साथ। हमें सात सपने देखने हैं, और किसके लिए? मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने। वैसे हम एमपी के फिटनेस और कल्याणम आपके लिए बहुत सपने देखते कि आप लोग एक को दूसरे को जोड़ते रहे और ये कारवा बढ़ता रहे, ये कारवा बढ़ता रहे, और हम आपको इसी तरह ज्ञान बांटते रहे। आज भी देखिए, तेरापन भवन सिटी लाइट में बहुत बड़ा प्रोग्राम था न्यू ईयर का, उदित मुनि जी का। अब मेरा दिल उधर भी जा रहा था पर यहाँ भी था, तो ऐसा अट्रैक्शन है कि नहीं, अपने लोगों से आज प्रेरणा देनी है, प्रेरणा लेनी है, सच्चे दिल से न्यू ईयर मनाना है, सबके खुशी का हिस्सा बनना है, अपना पराया भूल कर दिल को दिल में सबको गले से लगाना है, सबको गले से लगाना है। तो चलिए हम करते मैंने तेरे लिए ही, चलो एक्शन करते हैं शुरू में, मैंने शुरू करते, मैंने तेरे लिए तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंस के कुछ कुछ रो के, तेरी आंखों के साए पाए रसीली यादों में, मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने चुने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, जन्म जन्म से आंखें बिछाए तेरे लिए मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने चुने, सुरीले सपने कुछ हंस के, हंसना है, रोना है, सबको साथ लेकर चलना है। छोटा सा कर दिया क्योंकि समय की मर्यादा है, टाइम पे पूरा करना भी जरूरी है, पूरा गीत भी कर सकते हैं। एक दिन हम जुम्बा की क्लास लेंगे, आपको पता है जुम्बा क्या होता है? कितने लोगों को पता है जुम्बा क्या होता है? ये भी बहुत मजेशीर क्लास है। मैं चाहती हूँ, ये सुचिता जी डांस कर रही, कुछ नहीं उसमें गीत होते हैं पुराने, और उसमें सब डांस करते और योगा करते हैं। जैसे पुराना गीत मैंने आनंद भाई जी को बोल, है अपना दिल तो आवारा न जाने आएगा, कुछ भी ऐसा एक गीत सिलेक्ट करो, इसमें गीत आप सिलेक्ट करेंगे, फिर हाथ के आसन करेंगे, अपर बॉडी के आसन करेंगे, नाचेंगे, फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, इससे वेट लॉस भी होता है अगर हम स्पीडी करते। तो किसी जुम्बा स्पेशल को भी मैं ट्राई करूंगी कि हम बुलाएं, और नहीं हो तो अपने लिए कुछ भी डांस करेंगे, विदाउट स्टेप भी डांस कर सकते। तो बहुत बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। आनंद भाई जी इस बात पे आप भी कुछ बोलिए, आनंद भाई जी को सुनना जरूरी है। मैं कहती हूँ कि बहुत सारे क्लासेस चालू होते हैं, कभी शुरू होते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ, पर ये क्लास ऐसा है कि आश्चर्य लगेगा आपको कि इतना नियमित सबको कांटेक्ट करके क्लास तो चालू करना। 6:15 बजे आनंद भाई जी का फोन आएगा, रेडी हो, मतलब वक्ता को तैयार रेडी करना, ये भी कितनी बड़ी बात है। मतलब जब इनका फोन बजता है तो मेरा दिल वो हो जाता है कि कितना महान आदमी है, कितना ग्रेट है, इतना करना कोई इजी बात नहीं है, और इतने लोगों के साथ संपर्क रखना और उन सबको जोड़ना, सचमुच ये बहुत बड़ी कला है, स्किल है। अलका जी पूरे साल का, अलका जी पूरे साल का डोज मिल गया आज आपसे। बढ़िया, फुल एनर्जी, फुल एनर्जी मिल गई, बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा गाना लगाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस हम आज यही कामना करते, कभी किसी की आंखें नम ना हो, कोई किसी का दिल ना तोड़े, कोई किसी का साथ ना छोड़े, बस प्यार का दरिया साल भर बहता रहे, हम साथ में चलते रहे, कारवा बढ़ता रहे। आनंद भाई जी आप हाँ। तो देखिए, नया साल का जो कार्यक्रम तुरंत बना, प्रोग्राम हमारा पहले से ऐसे कार्यक्रम की परिकल्पना नहीं थी, तो आज सविता जी का, आज सोमवार सविता जी का दिन था, मैंने सविता जी से कहा, सविता जी
आपका सोमवार है, आपकी आपका लेक्चर रहने वाला है, लेकिन हमें इस तरह से इसको चेंज, तुरंत उन्होंने बोला मैं तो अगले सोमवार को ले लूंगी, अगले सोमवार उन्होंने अपना टाइम पूरा टाइम विसर्जन किया हमारे लिए। तो सविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इतना शानदार, इतना शानदार कार्यक्रम, हमने एक दिन की तैयारी, कल हमने तैयारी बात आई दिमाग में और तुरंत मैंने मैसेज बना के सबको बात सबसे बात की, और इस तरह से शानदार एक कार्यक्रम स्वतः ही हो गया गुरुदेव की कृपा से। और जो भी एक सपना हम दिल दिल में लेके चल रहे हैं, ये सपना हमारा इस साल जरूर पूरा होगा। हम घर घर तक प्रेक्षा ध्यान को कैसे पहुंचा सकते हैं, सब मिलकर अगर काम करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, सबका साथ बहुत जरूरी है, और एकता में कितनी ताकत है ये हम जानते हैं, एकता में कितनी ताकत है। तो आज हमारे साथ 250 ट्रेनर्स की एक टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, और सबका प्रयास अगर रहा तो हम नए साल में नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, नए नए लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सब इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, और अब समापन की ओर चलें। एक बात मैं कहना चाहूंगी आनंद भाई जी, कि अभी कोरोना वापस जब ऊपर आ रहा है तो हमें इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है, और जयश्री जी इम्यूनिटी पर एक क्लास लेने के लिए मैं तो उनको रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि इनका इस पर अभ्यास है। तो आहार से और जनरली इम्यूनिटी कैसे बढ़े, इसका एक स्पेशल जयश्री जी का प्रोग्राम हो जाएगा। इसी में भाव रखती हूँ कि जयश्री जी ये कार्यक्रम जरूर करेंगे। तो मैडम, ये नया वर्ष तो मनाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आनंद भाई जी को फोन किया। नया वर्ष का क्या, तो नए वर्ष के लिए बहुत जरूरी था। तो क्योंकि हर साल कुछ देकर आता है, कुछ लेकर आता है, हर साल कुछ देकर जाता है। चलो इस साल भी कुछ नया पाएंगे, आगे बढ़ेंगे, इसी भाव के साथ प्रार्थना के लिए आनंद भाई जी। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन और हमारा आने वाला वर्ष मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। कल मंगलवार का दिन, और कल अलका जी का सेशन, मंगलवार को हमें इंतजार रहता है अलका जी का, जिस तरह सोमवार को इंतजार रहता है सविता जी का, शुक्रवार को मंजू जी का, और मंगलवार अलका जी का। तो कल मंगलवार है, और कल हम अलका जी को पुनः अलका जी से मिलेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। अगले मंडे भी मैं नहीं हूं, वैसे मैं जा रही हूँ बैंगलोर शिविर में, उससे अगले मंडे से फिर कंटिन्यू। हाँ, अगला अगला मंडे रहेगा। इस मंडे तो मैंने बताया, अभी जो हमारे ज्योतिंदर जी एक सीरियल शुरू कर रहे हैं, 3 दिन का सीरियल, तो उसका शुभारंभ हम अगले मंडे करने जा रहे हैं, कहानियों के माध्यम से, महाप्रज्ञ की कहानियां, बहुत शानदार छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हम बहुत सी बातें जानेंगे। तो ज्योतिंदर जी से हम अगले मंगलवार सोमवार को मिलेंगे, नेक्स्ट सोमवार सविता जी हमारे साथ वापस जुड़ेगी। तो सभी से इजाजत ले रहे हैं, अभी आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम।